अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर मर्चेंट और आप लोग देख रहे हैं मर्चेंट टीवी। हजरत अबू तालिब के बाद बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत हो गई। रसूलुल्लाह और आले रसूल के लोग मक्के में मजाक उड़ाया करते थे। मक्के के काफिरों ने चाहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, हम उनको अपनी शादी में बुलाएं। मोहम्मद की बेटी के पास तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े होते हैं, वही पहन के आएगी और हम अपने आप को दुनियावी दौलत से आरस्ता करके और फिर ये कहेंगे कि ये देखो नबी की बेटी, इसका बाबा गली गली नबूवत का दावा करता फिरता है और इसकी बेटी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं, और फिर मिलकर हंस के उनका मजाक उड़ाएंगे। बस इस इरादे के साथ जब वो कुफार की औरतें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं और कहा, हम ये चाहते हैं कि कल जो हमारे घर में शादी है आप उसमें आएं। बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा, मैं कोई भी काम अपने बाबा से बगैर पूछे नहीं करती, मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर बाबा ने इजाज़त दी तो ज़रूर आऊँगी। अल्लाह का रसूल जब घर में आया, जनाब सैयदा ने दस्त अदब को जोड़ के अर्ज किया, ए मेरे बाबा, मोहल्ले की औरतें आई थीं और कहने लगी कि कल हमारे घर में शादी है, तुम जरूर आना। लेकिन उनके चेहरे पे मुनाफिकत आया थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा तुम जाना, अगर नहीं जाओगी तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, ये खुद ही हमसे नफरत करते हैं। तो बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा मैं जाऊँ तो सही, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ एक ही जोड़ा है जो काफी जगहों से सिया हुआ है, वो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना कहना था तो अल्लाह के हुकुम से जिब्राइल अलैहि सलाम जन्नत से जन्नती लिबास लेके हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह का हुकुम है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास इनायत करें और कहें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करता। बीबी सैयदा ने वो लिबास अपनी आंखों पे रखा और अल्लाह का शुक्र किया और एक लम्हे के लिए रुकी, अर्ज किया, बाबा ये इतना अच्छा लिबास मैं कल पहन के जाऊंगी, तो ऐसा ना हो कि इस लिबास की चमक दमक देख के दूसरी औरतें एहसास कमतरी में चली जाएं। मैं ये लिबास पहनती हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो लिबास मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन कर जाऊंगी। अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया तो फिर मैं उन्हें ये जन्नती लिबास दिखाऊंगी। बस रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, वो सब औरतें इंतजार करने लगी कि नबी की बेटी आए और हम उनका मजाक उड़ाए। बीबी फातिमा ज़हरा फटे पुराने कपड़े पहन के जैसे ही शादी में दाखिल हुई, वो सब जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, देखो रसूल का खानदान आया है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, उसका बाबा अपने आप को नबी कहता है, उसकी बेटी का लिबास तो देखो। सब जब मजाक उड़ाने लगे तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना वो जन्नती लिबास जो अल्लाह के रसूल की तरफ अल्लाह ने भेजा था वो पहन लिया। उस लिबास का नूर और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर जब उन लोगों ने देखा तो वो दंग रह गए, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने आज से पहले ना इतना अच्छा लिबास देखा था और ना ही इतनी खूबसूरत औरत। ये चर्चा आम हो गया। दुल्हन ने पूछा कि घर में इतना शोर क्यों है? सब ने कहा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है, उनके चेहरे और लिबास में इतना नूर है कि सब देख के हैरान हो गए और बातें कर रहे हैं। दुल्हन ने कहा, मैं भी देखूंगी। जैसे ही दुल्हन करीब आए और जैसे ही जनाब सैयदा की ज्यारत करे तो वो बीबी पाक के चेहरे के नूर को देख कर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तो बस अफरा तफरी हो गई, सब यहाँ वहाँ भागने लगे कि दुल्हन मर गई है, क्या हुआ? तो मुनाफिक ये एक दूसरे से बात करने लगे, देखो मोहम्मद की बेटी आई और इसकी वजह से हमारी दुल्हन मर गई। ये बातें फैलने लगी। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि ये इस्लाम और अल्लाह के महबूब की तोहीन कर रहे हैं, तो जनाब सैयदा ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह इस औरत को नई जिंदगी देगा। सब ने कहा, आज तक कोई मरा हुआ जिंदा हुआ है क्या? ये जिंदा होगी? बीबी सैयदा ने कहा, अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन ये जिंदा होगी। मैं अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ, देखना ये औरत जिंदा हो जाएगी।
सबने कहा ठीक है, अगर वाकई ये औरत जिंदा हो गई तो हम तेरे बाबा को अल्लाह का रसूल मानेंगे और तस्लीम करेंगे कि आपका दीन सच्चा है। तो बस बीबी सैयदा उस औरत के करीब आई और दुआ के लिए हाथ बुलंद किया और कहा, ए अल्लाह, तुझे वास्ता है मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता है उस मोहम्मद की इज्जत का, इस तेरी बंदी को जिंदगी बख्श दे। बस ये कहना था, इतनी देर में वो औरत आंखें खोलने लगी और कदमों में गिर के कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मौजिजा देख के सब जनाबे सैयदा के कदम चूमने लगे और सब के सब मुसलमान बन गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।